वेलकम स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड ए पॉइंट बायो सेवर्ट्स लॉ इन द चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। टुडे वी विल डिस्कस ए न्यू पॉइंट और टॉपिक एम्पियर सर्कुलर लॉ। व्हाट इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ? द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड The line integral of a magnetic field around any closed path is equal to the mu naught times of the total current I threading through the area enclosed by the closed path। यानी कि अगर कोई closed path है और इसमें क्या है, कोई वायर है, स्ट्रेट वायर है कोई, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स और इसके इस सरफेस में जितना करंट होगा आई के थ्रू वो क्या कहलाएगा, इसका एम्पियर सर्कुलर लॉ कहलाएगा। तो सपोज करते हैं इसके प्रूफ के लिए कि लेट एक्स वाई बी ए स्ट्रेट लाइन और लाइन कंडक्टर कैरिंग ए करंट आई एट ए डिस्टेंस आर देयर इज ए पॉइंट पी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिटरमाइन बट हियर बाय द बायो सेवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस पी और आर इट विल बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन टू पाई आर। इक्वेशन नंबर वन। नाउ इक्वेशन वन। नाउ स्टूडेंट्स वी हैड हियर लेट अस ड्राइव ए सर्कल ऑफ रेडियस आर देन The magnetic field direction B and the length element DL is same। यानी कि जो एक हमने length element लिया है DL और जो magnetic field है उसकी direction क्या होगी, same होगी। तो हम कह सकते हैं integration B dot DL is equal to B डॉट डी एल कॉस थीटा बिकॉज हियर इज एंगल थीटा एंड नाउ द एंगल बिटवीन डी एल एंड बी इज जीरो सो कॉस डी विल बी जीरो एंड वी हैड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी लाइन इंटीग्रल डी एल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एल? इट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू टू पाई आर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन वन, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी बाय इक्वेशन वन, सो वी गेट लाइन इंटीग्रल डॉट डी एल इज इक्वल टू डी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन टू पाई आर इंटू आई इंटू टू पाई आर। टू पाई आर से टू पाई आर कैंसिल एंड इट विल बी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ बाय द स्ट्रेट कंडक्टर वायर। Now students, here are the applications of Ampere circular law। जिस तरह से आपके बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन थी उसी तरह से कुछ एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन है। फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर। कोई आपका थिन वायर है, लॉन्ग है और स्ट्रेट है, उसके द्वारा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो
क्या होगा? तो हम सपोज करते हैं कि कोई हमारे पास एक वायर है एक्स वाई, जिसमें एक करंट आई फ्लो हो रही है, और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हमारे पास बी है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड बी है देन बाय द एम्पियर सर्कुलर लॉ, बाय द एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इक्वेशन नंबर वन। नाउ वी विल ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर अराउंड द वायर एक्स वाई, एंड दिस सर्किल इज मेड अप ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लेंथ डीएल। Here we show that the length dl and the direction of magnetic field r से जो dl है वो भी आपके इस तरफ बढ़ रहा है और magnetic field आपका सेम डायरेक्शन में है, तब हम कह सकते हैं जो लाइन इंटीग्रल होगा v डॉट dl, इसको कह सकते हैं हम, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कि a वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो सिंपली ये हो जाएगा आपका क्या, लाइन इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी यहां पर एंगल जीरो है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस जीरो, सिंपल उसकी वैल्यू वन होती है, और ये सिंपली हो जाएगा बी कॉन्स्टेंट इंटू लाइन इंटीग्रल डी एल। नाउ इंटीग्रेशन वी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल, टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इट विल बी 2 पाई आर बाय इक्वेशन फर्स्ट बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट आई इज इक्वल टू वी इंटू 2 पाई आर, और फाइनली वी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड एप्लीकेशन अबाउट द सोलेनोइड। वॉट इज द सोलेनोइड, वॉट इज द सोलेनोइड? स्टूडेंट यू हैव सीन द टेलीफोन लाइन वायर दिस, तो वेन ए वायर इज टर्न अप टू टर्न ए नंबर ऑफ टाइम्स देन दिस विल बी कॉल्ड ए solenoid. Here the diameter of this solenoid is less than the length of the wire or the length of the solenoid. तो जब किसी वायर को वृत्तीय चक्रों में घुमा दिया जाता है तो क्या बनती है हमारी, एक solenoid बनती है। जब solenoid बनती है तो उस जब उस वायर solenoid में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ जो वायर के सर्कल टर्न्स हैं उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो उस सोलेनोइड के अंदर जो हमारी सोलेनोइड है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक, तो लाइन कैसी होती है इसके बीच पैरेलल होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए एक लाइन लेते हैं, सपोज कीजिए ये आपकी लाइंस हैं जो उस सोलेनोइड के अंदर है, नाउ इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल, सो टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर सोलेनोइड वी हैड इवेल्युएट ए रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ ए बी सी
डी इन विच एक करंट आई इज फ्लोइंग, जिसके अंदर क्या है एक करंट आई फ्लो हो रहा है, तब जो आपका टोटल लाइन इंटीग्रल होगा वो इन सभी साइड्स के लाइन इंटीग्रल के एडिशन के इक्वल में होगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल इंटीग्रल्स अबाउट द ऑल लाइंस, इंटीग्रेशन ए टू बी, ए टू बी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी, बी टू सी बी वेक्टर डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी, सी टू डी बी वेक्टर डॉट डी एल और प्लस डी टू ए लाइन इंटीग्रल डी टू ए बी वेक्टर डॉट डी एल। तो जो आपका कंप्लीट लाइन इंटीग्रल होगा वो इन चारों साइड्स के लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि जो आपका रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी है, ये एल है, साइड की लेंथ एल है। देन लुक इनटू द डायग्राम, ए टू बी, ए टू बी इट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इस टर्म के लिए थीटा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। नाउ बी टू सी, बी टू सी इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस साइड बी सी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस थीटा विल बी 90 एंड कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट साइड सी टू डी, सी टू डी अब यहां पर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो केवल कहां यहां तक है, और जो साइड ये सी डी है क्या इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, नहीं है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज बी इज जीरो। एंड फाइनली डी टू ए, डी टू ए इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल बी ऑल्सो जीरो। देन लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी और लाइन इंटीग्रल डी एल, बिकॉज बी डी एल कॉस जीरो, कॉस जीरो का भी पद हो जाएगा आपके पास, तो टर्म हो जाएगी आपकी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू बी इंटू एल। नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज टोटल लेंथ इज एल, नाउ स्टूडेंट इफ यू से दैट इफ देयर आर स्मॉल एन, देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसके पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर हो, एन नंबर हो, देन द लेंथ ऑफ सॉलिड विल बी लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इज इक्वल टू एन एल, ये जो लेंथ होगी इसमें क्या होगा आपके टोटल नंबर हो जाएंगे, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिड एन एल। देन द टोटल करंट, द टोटल करंट इनसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू आई एन एल, आई एन एल। देन वाई द एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल, ऑन पुटिंग द वैल्यू
on putting the value B dot dl, we have B into L is equal to mu naught N I L. L से L गया और B is equal to mu naught N I. So this is the magnetic field due to the number of turns per unit length.